अभी खरीद लेंगे तो फिर रेट कहां पहुंच जाएगा, 100 प्लस। तो इस हुआ था $100, $1,000, $10,000, $1,00,000, इसका रेट कहीं पे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एल्गोरिथम सेम है। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये है स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। इस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का एक प्रूवन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, YFI, यंग फाइनेंस, ये कॉइन का नाम है। सुना है किसी ने YFI? मैं आपको बताता हूं, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई रेट रहा $60,000 और YFI का रेट रहा ऑल टाइम हाई $93,000, $93,000 पर उसका रेट पहुंचा है। बिटकॉइन आया 2009 में और YFI कब आया है, 2019 में, और अभी भी इसका रेट बिटकॉइन के बराबर चल रहा है। ये ताकत है स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की। स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का पहला कॉइन है YFI। ओके, उसी टेक्नोलॉजी पे हमारे 20 लाख टोकन लिस्टेड है। पेनकेक स्वैप पे जाकर आप लाइव इसकी लिक्विडिटी, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो इस पे तो इशांत साहब या जहांगीर साहब लाइव दिख सकते, तो आप तैयारी रखें, सेशन के बाद अपन इसको दिखाएंगे। ओके, अब ये पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। फिरोज भाई हमेशा हमें बताते हैं कि कई कंपनियां, नेटवर्क कंपनियां ऐसे सेमिनारों में बुलाती और बोलते हैं कि देखो कोई भी काम शुरू करना है, बड़ा आदमी बनना है और किसी कंपनी में जुड़ना है तो TTT देखा करो। TTT मतलब TPP देखा करो। TPP क्या होता है? प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट। प्लान प्रोफाइल और प्रोडक्ट उस कंपनी का देखा करो। बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हो। आगे, थैंक यू। तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं प्रोफाइल। सर हमारे सब को इतने महान है, इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने ऐसा डिवाइस बना दिया कि दीवार के उस तरफ का दिखता है। मैंने बोला ऐसा क्या बना दिया? बोले खिड़की। तो बताते कुछ और है, निकलता कुछ और है। प्रोडक्टों की बात करें तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इनके पास आ गए हैं, क्या मालूम कहां से टेक्नोलॉजी आ गई है कि 34 दिन का कैंसर 2-2 महीने में खत्म हो जाता है। ऐसे भी कई लोग आए होंगे आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? तो इस टाइप का कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। अगर तरक्की करना है तो TPP का जमाना जा चुका है। TPP नहीं, अब हमें देखना चाहिए TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, है ना, और टीम यानी कम्युनिटी। तो दो टीम में आपको बता चुका हूं, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग, राइट? 20 लाख टोकन है, पैंकेक स्वैप पे लिस्टेड है, सब कुछ बढ़िया है, ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज भी तो जरूरी है, दैट इज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है DeFi AI। उस DeFi AI में क्या होता है वो बताकर मैं अपना सेशन यहाँ पर खत्म करूंगा। फॉर एग्जाम्पल धनंजय साहब जैसे यहाँ पर आज पहली बार आए, इनको पूरी टेक्नोलॉजी मैंने बताई, सब बताई, है ना। अब यहाँ पर किसी भी एंगल से एक भी बार मैंने आपको बोला कि सर ये कोई MLM कंपनी है, इस अकाउंट में इतना पैसा भरो, इतने का पैकेज डालो, हम ट्रेड करके आपका पैसा बढ़ा के देंगे, हम कोई पैसा उगाने का कार्यक्रम चलाते ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बताई, जैसे सारे कॉइन लिस्टेड है वैसे ब्लॉक कोरा भी लिस्टेड है पैंकेक स्वैप पे। वहां पर जाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना खरीदिए, राइट? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि साला मैंने खरीदा और रेट गिर गया तो नुकसान हो सकता है, लगता है सभी को डर है ना किसी भी इसमें। अब आप सोचे कोई एक ऐसा कॉइन आपको दिया जाए, ऐसी करेंसी आपको दी जाए जहां पर रेट गिरे या रेट बढ़े आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, आपको प्रॉफिट ही मिलता रहे, कैसा रहेगा? बड़ी है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरेस्टेड है कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन कितने सारे कॉइन है, मैं किस पे करूं, मुझे नॉलेज नहीं है, और नॉलेज के बावजूद हम किसी कॉइन को लेते हैं और उसका रेट कई बार गिर जाता है। तो ये भी उन जैसा ही एक कॉइन है, बढ़ता भी है गिरता भी है, सब होता है। $1 से शुरू हुआ था, राइट नाउ $33 चल रहा है, करीब $48 तक हाई इसका गया है। तो ये तो मार्केट है, अप एंड डाउन सब होता है, क्योंकि मैंने बताया ना
माल बिकेगा तो रेट बढ़ेगा, माल सेल होगा तो रेट गिरेगा, तो सब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ पर भी वो चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास में जो दुनिया के किसी भी कॉइन में नहीं है, वो क्या है? स्टेकिंग। रेट गिरे चाहे रेट बढ़े, आप सोते भी रहे तो भी रोज सुबह 5:30 बजे आपका रिवॉर्ड आपको मिलता रहे। कैसा रहेगा? बढ़िया। कैसे मिलेगा? आगे चलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको लिक्विडिटी बेनिफिट देता है, रेफरल इनकम दे सकता है, मैचिंग इनकम दे सकता है, और सबसे बड़ी चीज स्टेकिंग रिवॉर्ड। नेक्स्ट, स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको देता है, वो कितने होते हैं? 1% से लेकर 1.50% पर डे। अब कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये स्लाइड देखकर थोड़ा सा अचरज हुआ होगा, क्योंकि पहले ये जो 1% है ये कहां से शुरू होता था? 0.35% से। नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस है आपके लिए, $20, $50, $100, $250, $500, $2000, $5000, $5000, ये 8 तरीके के पैकेजेस है। खुशी की बात ये है कि 4 दिन पहले तक या पिछले हफ्ते तक सैटरडे तक ये यहां पे मिलता था 0.35%, यहां मिलता था 0.40%, यहां था 0.5%, यहां था 0.75 और यहां था 1%, और उसके बाद सब एजेंटिस थे। तो ये अभी हम जब दुबई गए थे तो फाउंडर्स के साथ बैठकर ये बेहतरीन डिसीजन लिया गया कि $20, $100, $250 के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेनिफिट, बजाय $5,000, $7,500 के लोगों के लिए। छोटे आदमी को भी हमें बेनिफिट देना चाहिए। तो 0.35% से बढ़ाकर उन सारे पैकेज पे हमारे फाउंडर्स ने ये 1% कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पर नियत की एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमारा 5,000 का हाईएस्ट पैकेज है, इसके आगे ये जो खाली जगह है यहाँ एक और पैकेज हुआ करता था $7,500 का, राइट? पूरे बिजनेस में सबसे बड़ा धंधा किस पैकेज से आता था? $7,500। आप मुझे बताएं, कोई कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो कंपनी कभी उस प्रोडक्ट को बंद करेगी? नहीं, बल्कि उससे बड़ा प्रोडक्ट, उससे बड़ा पैकेज लेकर आएगी, है ना? कई जिनको मकसद है पैसा बटोरना, वो क्या करते, 7,500 की डिमांड बोलते एक काम करो 15 वाला। लेकिन हमने पैसा उगाना मकसद नहीं है, लोग उगाना मकसद है। आप सोचे, सबसे बड़ा जो धंधा देता था उस पैकेज को बंद करके जो छोटे छोटे पैकेज है इसके ऊपर रिवॉर्ड बढ़ा दिया। इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि लंबा और लॉन्ग टर्म चलना ये यहाँ पे अपना मकसद है, ना कि पैसा उगा के बटोरना, ये मकसद नहीं है। जितने एसोसिएट है आपके कॉन्फिडेंट के लिए, आप देखें पिछले संडे के बाद से हमारे $100 के $20 के $250 के पैकेज की भरमार आने लगी है, है ना? क्योंकि वो लोग नहीं कर पाते, छोटा अमाउंट था इसलिए, राइट? तो ये बहुत जबरदस्त डिसीजन रहा, 1% से लेकर 1.5% तक के रिवॉर्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं, आप इसमें से कोई भी पैकेज लेते हैं तो ये परसेंटेज रोज सुबह 5:30 बजे आपको मिलेगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ये आरओआई नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है जो आरओआई आपको दे रही है, ये जस्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड है। एक चीज जो दुनिया में ऑलरेडी शॉर्ट है, 20 लाख है, पैनकेक्स वेब पे लिस्टेड है, उस शॉर्टेज को आप खरीदते हैं और यहां पर लाकर स्टेकिंग करते हो, मतलब शॉर्टेज और बढ़ा दिया आपने। तो जितनी शॉर्टेज बढ़ रही है उतना रेट बढ़ रहा है, और जितना रेट पे एप्रिसिएशन आ रहा है उस एप्रिसिएशन का बेनिफिट पूरी कम्युनिटी में बांटा जा रहा है इस एल्गोरिथम से। समझ में आया? ये है टेफी एआई, राइट? अब फॉर एग्जांपल आप $100 का पैकेज लेते हैं तो 1% कितना होता है $100 का? $1 रोज, रोज सुबह 5:30 बजे आपको आएगा, मंडे टू फ्राइडे
हफ्ते के 5 दिन, महीने के 22 दिन, तब तक आएगा जब तक ये $100 कितने बन जाए, 3x, $300 फिर बंद हो जाएगा। और चलना है, इनकम लेना है, वापस रीटॉप अप करो, लेते रहो। मैंने क्या बोला था, पैसिव इनकम, आप सोते रहो तो भी पैसा आए, सुबह 5:30 बजे आता चले, राइट। ऐसे ही $1,000 का पैकेज लेते हैं तो 1.10% उसका आपका $11 रोज, 273 दिन में आपका अमाउंट 3x हो जाता है और 91 डे में आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है, हमारी कैपिटल, क्या बोलते हैं मराठी में, मुद्दल, गटरी, मुद्दल, गटरी पड़ता है, मुद्दल घर यानी पैसे, लॉकर यानी पैसे, मुद्दल वाली सर टेंशन नहीं, ऐसा लगता है ना। तो कितने दिवस लगता है मुद्दल ये लाएगा, ये लाएगा, 91 ये ही ला, ठीक है। ऐसे $5,000 का पैकेज लेते हैं तो 1.5% रोज मिलता है, मतलब कितना डॉलर, $50 रोज, 67 डेज में मुद्दल घर और 200 दिन में $15,000 ये वैल्यू हो जाती है। मतलब एक एग्जांपल, $5,000 को 80 रुपए से हम कैलकुलेट करें तो 4 लाख रुपीज होता है, $4,00,000, राइट। डेली आता है $75, इसको भी 80 से मल्टीपल करें तो होता है ₹6,000। आपके बारामती में मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो, ₹4,00,000 लगा के मैं दुकान या कुछ डालता हूं तो रोज ₹6,000 मुझे मासिक मिले, है कोई आपकी नजर में, है? और मिल भी जाए, एक दिन मिलेगा, दो दिन जब ग्राहकी बहुत होगी और दुकान खोलूंगा तो इनकम आएगी, दुकान बंद तो इनकम बंद। लेकिन यहाँ पर आपने पैकेज बाय कर लिया है, आप अपना काम धंधा कर रहे हो, सुबह आपके उठने के पहले 5:30 बजे ₹6,000 रोज आपके वैल्यू के आपको मिल जाते हैं टीबैग के रूप में। आप उसको डेली बेचो और डेली INR करके अपने घर ले आओ तो ये होता है कितना अमाउंट, 3x, 3 गुना। अब यहाँ पर $5,000 का पैकेज लिया, 4 लाख के 8 महीने में 12 लाख बन गए, तो एवरेज 1 महीने की इनकम कितनी आ रही है अपने को, ₹6,000 रोज, महीने के 22 दिन आता है तो करीब ₹1,44,000 महीना बगैर कुछ करे पैसिव इनकम आपको आ रही है, राइट। तो यहाँ पर ये इनकम आ रही है, आपका अमाउंट 3x हो गया, आपका फायदा हो गया। अब ये पैसा आपने कमाया, इससे ज्यादा कमाना चाहते हो, यस और नो? तो मैं एक तरीका और बता देता हूं, डेली विड्रॉल करके आप उसको बेचकर इंडियन रुपीज पे घर ला रहे हो तो ये 4 का 12 बन गया। एक समझदारी कर लो, डेली विड्रॉल करो लेकिन वॉलेट में होल्ड कर लो। तो आज आप जितना माल इकट्ठा होता जा रहा है, आज जितना रेट है, 8 महीने बाद इससे बढ़ेगा ही रेट, 10 गुना बढ़ गया, तो आपका यह अमाउंट 3x की जगह कितना हो जाएगा, 30x, 20x, 50x, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन रेट। ज्यादा बेनिफिट कमाना है, ठीक है, उससे ज्यादा कमाना है, यस और नो? इससे ज्यादा, राइट। तो एक आइडिया और देता हूं, अपने नीचे